अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्ट्रा ग्राफिक्स चैनल। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम एक अम्ब्रेला लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। उससे पहले कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक भी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ से ग्रेड टूल ले लेता हूँ और आर प्रेस करते हुए इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ सेंटर से ही। ऑलराइट, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको लॉक कर लेता हूँ। आप चाहें तो कंट्रोल टू से भी इसको लॉक कर सकते हैं। लॉक करने की वजह यह है क्योंकि मैं इसकी ऊपर शेप बनाऊँगा तो मुझे किसी किस्म की कोई दुश्वारी ना हो। तो यहाँ से मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ शॉर्टकट की एल और इसको यहाँ तक। ऑलराइट, परफेक्ट। इसी तरह इसको भी मैं कंट्रोल सी कंट्रोल एफ फ्रंट पे ही पेस्ट कर लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके राइट साइड पे ले आता हूँ। यहाँ से देखना है एरो की मदद से राइट साइड पे थोड़ा सा करने। परफेक्ट। ऑलराइट, तो सेम प्रोसेस मैं लेफ्ट साइड पे भी करूँगा जैसे मैंने राइट साइड पे किया है। तो उसके लिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, उसको सेलेक्ट करके रोटेट टूल की मदद से यहाँ से सेंटर में इसको क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर आके पाथ पे आल्ट प्रेस करते हुए शिफ्ट की मदद से इसको लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ। ऑलराइट, परफेक्ट। एक और छोटा सा सर्कल में ड्रॉ करता हूँ यहाँ सेंटर में नीचे ले आता हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा आ गया, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। परफेक्ट। यहाँ से इसको मैं मज़ीद कॉपी कर लेता हूँ थोड़ा सा नीचे, सॉरी। परफेक्ट। सो यही सेम प्रोसेस मैं यहाँ पे भी कर लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तक इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसका कलर भी तकरीबन थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। और इसका यहाँ से थोड़ा साइज भी मैं स्ट्रोक का बढ़ा लेता हूँ, 8 ठीक रहेगा। सॉरी, ये भी साथ में ही हो गया। इसको मैं यहाँ से ये चीज़, तो ये बेसिकली एक स्ट्रोक है, मुझे एक ऑब्जेक्ट में चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ऑब्जेक्ट एक्सपेंड और ओके, ठीक हो गया। सो बेसिकली ये क्या हुआ, ये फिल हो चुका है, ये स्ट्रोक में नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फिल्म में है। तो उसके बाद यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ऑफ़ कर लेता हूँ फिल को और यहाँ से मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। सॉरी, यहाँ से इसको मैं सेलेक्ट करते हुए फिल को ऑफ़ कर लेता हूँ और स्ट्रोक को ऑन कर लेता हूँ, ठीक हो गया। कलर भी थोड़ा सा मैं इसको डार्क कर लूँ ताकि मुझे नज़र आए। परफेक्ट। यहाँ पे मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा जूम करके पकड़ने वाली जो जगह है एम्ब्रेला की वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हमने बनाना है। उसके लिए मैं एक सर्कल लेता हूँ छोटा सा स्ट्रोक ऑन करते हुए, और याद रहे क्योंकि ये इसका जो साइज़ मैंने रखा था 8, तो सेम इसी को भी मैं 8 रखूँगा ताकि वो सेम साइज़ रहे। ऑलराइट, यहाँ से इसको मैं ऑब्जेक्ट
एक्सपेंड, और ये ऑब्जेक्ट में मुझे मिल गया है फिल में, बेसिकली स्ट्रोक में नहीं है ये। तो सेम इसी तरह से इसको भी मैं ऑफ कर लेता हूँ और यहाँ से इसको ऑन कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं इसको मैं थोड़ा सा राइट साइड पर ले आता हूँ और इसको थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ, यानी इसको इसकी इक्वल कर लेता हूँ। परफेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो एक डिज़ाइन है लोगो का वो तकरीबन क्लियर हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको एक शेप में लाया जाए आरों जस्ट, तो उसके लिए यहाँ से मैं इसको सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ। यहाँ से इसको फिल कलर में थोड़ा सा कलर दे देता हूँ। परफेक्ट। तो जो पार्ट्स मुझे नहीं चाहिए उनको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से शेप बिल्डर टूल की मदद से, आप चाहें तो शिफ्ट प्लस एम भी कर सकते हैं, शॉर्टकट की है इसका, तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं कीबोर्ड से आर प्रेस करते हुए इसको माइनस कर लेता हूँ। तो जो पार्ट्स मुझे नहीं चाहिए वो डिलीट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। परफेक्ट। थोड़ा सा बारीकी वाला काम है, आप चाहें तो आराम से भी कर सकते हैं, इतनी कोई जल्दी नहीं है। परफेक्ट। अच्छा एक और चीज़ कि अगर इसको यानी शेप बिल्डर टूल में एक और चीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो चीज़ जो पार्ट्स आपको नहीं चाहिए होते हैं उसको आप माइनस कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं आल प्रेस करते हुए। लेकिन अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल, अब देखिए यहाँ पे एक यानी कि ये पार्ट्स हैं, बेसिकली ये एक अलग पार्ट है, ये एक अलग पार्ट है, तो इन इन सब पार्ट्स को मैं चाहता हूँ कि मर्ज कर लूँ, यानी कि सेम कर लूँ, यानी एक ही उसमें ले आऊँ, शेप में ले आऊँ। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए यहाँ पे किसी किस्म के कोई की प्रेस नहीं करना, जस्ट आपको यहाँ माउस की मदद से इसको जस्ट ड्रैग करते हुए इनको सेलेक्ट कर दें तो ये आपस में ही मर्ज हो जाएंगे। और अब मुझे कुछ इसको मतलब इस तरह से यहाँ से इसको पकड़ने वाली जगह को डिज़ाइन करना है कि मुझे ये हिस्सा ऊपर वाला नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पेन टूल लेता हूँ, यहाँ से यहाँ से और आपस में इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ और यहाँ से अनग्रुप कर लेता हूँ। तो ये जो पार्ट है मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। ठीक हो गया। और यहाँ से मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से शॉर्टकट की इसका ए है, यहाँ से भी मैं इसको कर सकता हूँ शॉर्टकट की से ए से ही भी, और यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हुए मैं इसको इसको थोड़ा सा यहाँ से कोल कर लेता हूँ, इसको मैं शिफ्ट प्रेस करते हुए नीचे ले आता हूँ। परफेक्ट। ऑलराइट, तो हमारा ये तकरीबन डिज़ाइन जो है यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको अनलॉक कर देता हूँ ग्रिड को, क्योंकि मुझे ग्रिड नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये और बेसिकली ये बेसिकली दोनों पार्ट आपस में मर्ज हो चुके हैं, लेकिन मुझे तीन इसके पार्ट चाहिए, जैसे कि ये एक है और ये और एक ये। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से सिंपल यहाँ से इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ और यहाँ से अनग्रुप कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये मुझे तीन पार्ट मिल चुके हैं। अब मैं इसमें कलर कर लेता हूँ,
कलर बेसिकली मैं कलर गाइड से करता हूँ क्योंकि मुझे कलर सेलेक्ट करने में काफ़ी आसानी होती है। तो मैं इसमें कुछ इस तरह से ये तकरीबन ये बेस्ट रहेगा। परफेक्ट, इसको मैं यहां से सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप इसको मैं कर लेता हूँ ग्रुप और यहाँ से मैं इसको अलाइन कर लेता हूँ सेंटर में। ऑलराइट, इसका बैकग्राउंड कलर मेरे हिसाब से सेंटर बैक। तो ये हमारा बेसिकली अम्ब्रेला लोगो डिज़ाइन हो चुका है और यही हमारा फाइनल एक जो आज मैं सिखाना चाह रहा था आप लोगों के लिए एक अम्ब्रेला लोगो डिज़ाइन एडोबी इलस्ट्रेटर में। तो सिंपल है, बहुत ही आसान है एडोबी इलस्ट्रेटर में किस तरह से हमने इसको ड्रा किया है इलस्ट्रेटर के अंदर। बहुत ही आसान था, बहुत ही सिंपल। तो अगर वीडियो को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।